वन स्लोप मोड्यूलेट स्लोपोस्ट लाइन हाँ जी आप लोगों को पता है आइसो कॉस्ट लाइन इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट अ प्रोड्यूसर कैन परचेज बाय यूजिंग हे एलोकेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस जब हम स्लोप ऑफ आइसो कास्ट लाइन की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इज इनफेक्ट द नेगेटिव ऑफ द प्राइस रेशियो ऑफ टू इनपुट हमारी जो एग्जाम्पल थी वहां में हम हम एज्यूम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड फार्मर इज एलोकेटिंग फार्मर इज यूजिंग एलोकेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स ओनली टू परचेज लेबर एंड कैपिटल और यहाँ पे जो भी उसकी स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन होगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगी इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल और प्राइस ऑफ लेबर को हम यूजली क्या कहते हैं कि प्राइस ऑफ लेबर इज द वेज रेट दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट प्राइस ऑफ कैपिटल इज द रेंटल रेट दैट प्रिवेल्स इन मार्केट और जब आप स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन की बात करोगे दिस स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइसिस ऑफ दिज टू इनपुट और हम हम जो जो के लेबर को हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे ले रहे हैं कैपिटल को हम वर्टिकल एक्सिस में ले रहे हैं तो उस केस में स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन क्या हो गए इट इज इक्वल टू माइनस पी एल ओवर पी के पी एल मेरे पास क्या है दिस इज प्राइस ऑफ लेबर वाइल पी के इज प्राइस ऑफ कैपिटल और हमारी जम्शन क्या है कि प्राइस ऑफ लेबर और वेज रेट इन द मार्केट इज इक्वल टू टेन वाइल प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू हंड्रेड तो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँ टेन 10 ओवर हंड्रेड करूँ तो मेरे पास अल्टीमेटली आता है माइनस पॉइंट वन और ये माइनस पॉइंट वन का इंडिकेट कर रहा है आइसो कॉस्ट कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व अब अगर उसी चीज को हम ग्राफिकली रिपोर्ट करें तो यहां पे हम लेबर हॉरिजेंटल एक्सिस पे ले रहे हैं कैपिटल वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हैं और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या है दिस इज आइसो कॉस्ट लाइन डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट अ फार्मर कैन परचेज बाई यूजिंग द एलोकेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सिस और अगर मैं यहां पर बात करूं अवर ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्यूट द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन बिटवीन पॉइंट ए टू बीजी फॉर्मर इज चेंजिंग ऑफ कैपिटल लेबर बाई मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो इस केस में चेंज इन कैपिटल कितना हो रहा है देर इज चेंज इन कैपिटल बाई माइनस टू यूनिट देर इज डीक्रीज इन परचेज ऑफ कैपिटल बाई टू यूनिट्स और साथ में क्या हो रहा है देयर इज इंक्रीज इन परचेज ऑफ लेबर बाई 20 यूनिट और स्लोप क्या होती है स्लोप इज प्रपेंडिकुलर ओवर चेंज इन प्रपेंडिकुलर ओवर चेंज इन बेस और यहां पे ये यह क्या आ जाएगी इट इज इक्वल टू माइनस पॉइंट वन और इसी स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन को हम कंप्यूट कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग प्राइसेस ऑफ टू इनपुट लेकिन साथ में हमने क्या डाल दिया हमने नेगेटिव भी डाल दिया क्यों डाल दिया कि आइसो लाइन इज द नेगेटिवली कर प्राइसेस ऑफ बोथ इनपुट्स क्या होंगी ऑफ बोथ इनपुट्स विल बी सम पॉजिटिव नंबर और स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन को डिपिक्ट करने के लिए हम लिख रहे हैं माइनस पी एल ओवर पी के और अल्टीमेटली क्या है इट इज इक्वल टू माइनस पॉइंट नो चेंज इन अमाउंट ऑफ और अगेंस्ट गिवन एलोकेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जब भी टर्म्स

देन क्या होगा आवर आइसोकॉस्ट लाइन विल बिकम स्टीपर और अगर ये फॉल हो जाए तो इसकी अपोजिट सिचुएशन जनरेट करेगी जब हम इसी डिस्कशन को करेंगे विद रेफरेंस टू कैपिटल कि हमारी जम्शन क्या है देर इज राइज इन प्राइस ऑफ कैपिटल एंड बिकॉज ऑफ दैट राइज इन प्राइस ऑफ कैपिटल वाइल प्राइस ऑफ लेबर रिमेन कॉन्स्टेंट तो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन क्या होगी इट विल बिकम फ्लैटर अब अगर हम इस सारे को समराइज कर दें इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लोप ऑफ आइसो लाइन रोल किस चीज का आएगा इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लोप ऑफ आइसो लाइन ओनली प्राइसेस ऑफ इनपुट प्ले प्राइसेस ऑफ इनपुट चेंजेस देयर इज चेंज इन द स्लोप ऑफ आइसो लाइन जब हम कहते हैं चेंज इन प्राइसिस ऑफ इनपुट तो हम यहां पर चेंज की बात करें इन रिलेटिव टर्म्स अगर यहां पर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आ जाए ऑफ ऑल इनपुट प्राइसेस or proportionate decrease in all input prices, then there is no change in slope of isocost line. Slope of isocost line will change when price of one input changes in relative terms with reference to price of other input.